Very good morning to all of you, my dear friends. I hope that you all are doing good. I'm Kumar Supraveen and I welcome you all on this KS Educational Hub. My dear friends, आज हम सब जिस ranking and order के question के साथ ही आपके SBI के लिए बहुत important है और SBI बहुत बार ऐसा question को पूछती है. तो right, देखते हैं हम सब कि कैसे आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से. राइट, देखिए आपके पास बोला क्या गया है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ फाइव वर्किंग गर्ल्स. टोटल फाइव गर्ल्स की बात की गई है. अच्छा, ए इज सेकेंड इन द हाइट बट लाइटर देन सी. अब देखिए दो बात यहां से आपके निकल कर आ रही है, क्या एक हाइट की बात हो रही है, दूसरा आपके पास लाइटर की बात हो रही है. ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ अगर हाइट की बात होगी तो कुछ वेट की बात हो जाएगी, ये तो कंफर्म हो गया. उसी में आपको बोला क्या गया कि फाइव गर्ल्स की बात है. चलिए आप फाइव ऐसा बना लीजिए ताकि आपको डील ना करना पड़े ज्यादा. वन टू थ्री एंड फोर, टोटल फाइव गर्ल्स की हो जाएगी हाइट की बात. और यहां पर अगर बना लिया जाए तो वेट की बात हम लोग कर लेंगे. ठीक है, ये मैक्सिमम पोजिशन हम लोगों ने बना लिया, वन टू थ्री फोर फाइव. अब बस हम लोगों को क्या डेटा पुट करना है. ए इज सेकेंड इन दी हाइट, हाइट की बात थी. ए का पोजिशन बताया गया आपको सेकेंड होगा. ठीक है, बट लाइटर देन सी, लेकिन वेट में बताया गया क्या कि सी कहीं ना कहीं ज्यादा वेट होना है ए से. ए का लाइटर वेट है. ठीक है, बी इज टॉलर देन डी. बी का जो पोजिशन है हाइट में वह बी टॉलर है किससे, ए से, बी सॉरी डी से. B is taller than D, ये कंफर्म है. बट लाइटर इन वेट, लेकिन वही वेट में बोला गया कि D का जो वेट होगा वो B से ज्यादा हो जाएगा. क्लियर है. फिर आपको बोला जा रहा है C एंड D आर ऑफ सेम वेट. वेट की बात है कि C और D का जो वेट होगा वो कहीं ना कहीं सेम वेट होगा. ठीक है, बट C is taller between them, लेकिन उन दोनों की अगर बात की जाए हाइट में तो C का हाइट ज्यादा हो जाएगा D से. क्लियर है. फिर बोला जा रहा है E is taller than B but shorter than C. taller की बात हो रही है, मतलब हाइट की बात. E is taller than B. चलिए E क्या है कि taller है B से. ठीक है, but shorter than C. लेकिन कहीं ना कहीं E के बारे में क्या बोला गया कि shorter than है C से. क्लियर है. Then C and shorter than C and heavier than C. कौन, E की बात हो रही है, E is taller than B तो है लेकिन shorter है C से. वहीं E क्या है, heavier है C से, मतलब अगर वेट की बात कर ली जाए तो E का वेट ज्यादा हो जाएगा C से. क्लियर है. फिर एक लास्ट स्टेटमेंट आपके पास बच रहा है, A is not the lightest in the group. और lightest group तो आपका ये बनकर निकल आना है, तो मतलब A का पोजिशन यहां पर कभी नहीं होगा. अब अगर इन सभी को आप कंबाइन करें तो आपको क्या पोजिशन निकल कर आ रहा है कि B का जो पोजिशन है वह D से बड़ा है और वहीं E से भी बड़ा B क्या है, E से बड़ा आपका निकल कर आ गया. देखिए ऐसा, E से बड़ा आपका B निकल कर आ गया और B किससे बड़ा है, D से बड़ा है और D से भी बड़ा आपका C है, लेकिन C किससे, E से भी बड़ा है. अब क्या आपको निकल कर आ गया कि इस पोजीशन में आपका C भी होगा, E से बड़ा तो C का भी पोजीशन निकल कर आ गया. ठीक है, अब C क्या है, D से बड़ा है, मतलब यहां कहीं भी होगा. दूसरी बात, B क्या है, D से बड़ा है, मतलब आपने क्या देखा कि C के बाद ही दोनों का D का पोजीशन होना है कहीं भी, लेकिन B के बाद अब D का पोजीशन हो जाएगा तो D का पोजीशन आप क्या बोलेंगे, यहां हो गया. अब आपके पास देखिए वन टू थ्री फोर टोटल हो गए, यहां पर आपको कितने बचे हुए, वन टू थ्री फोर, फोर ही तो बचा है और एक आपको C, यहां पर A आपका ऑलरेडी फुलफिल है, तो आप क्या बोलेंगे, C का पोजिशन यहां निकल कर आएगा, E ये पोजिशन हो जाना है, B ये पोजिशन होना और फाइनली आपका क्या, D का ये पोजिशन हो जाएगा. ये आपने हाइट की बात कंप्लीट कर ली. राइट, अब जब आपके पास ये हाइट कंप्लीट हो गया, अब जब हम सब क्या वेट के लिए चलेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, ए का वेट लाइटेस्ट नहीं हो सकता. अब इन सभी को कंबाइन करके देखिए क्या आपके पास निकल कर आता है. सी और डी का तो वेट हमेशा क्या इक्वल होना है, चलिए इसमें कंफ्यूज ना होना है, इसको अलग कर दिया जाए. सी और डी का वेट हर हमेशा इक्वल होना है. वहीं सी का वेट ए से ज्यादा है, फिर डी का वेट ए बी से ज्यादा है. अगर डी का वेट बी से ज्यादा है, मतलब सी का सी भी क्या बी से ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म हो गया. अब क्या है, बी का जब भी पोजीशन बनेगा इधर ही बनेगा. फिर आपको दिया हुआ है सी से भी बड़ा ई का पोजीशन है, मतलब ई का पोजीशन आपका ये तो कंफर्म निकल कर आ गया. फिर सी ए से बड़ा है और डी से भी बड़ा बी है, मतलब क्या ये पोजिशन और ये पोजिशन निकल कर आएगा, वहां पर आप क्या ए या बी का कहीं भी पोजिशन बनेगा.
अब आपके पास टोटल कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब बस इनको आपको यहां पर पुट करना है, लेकिन आपको पॉइंट क्या था, ए लाइटेस्ट नहीं है। ए अगर लाइटेस्ट नहीं होगा तो ए पोजीशन क्या यहां पर बनकर आएगा, लाइटेस्ट पोजीशन से कट हो जाएगा, तो यहां बी कट हो जाना है। अब बस आपको क्या करना है, यही चीज यहां पर पुट कर देना है। ए बी का पोजीशन यह हो गया, डी का पोजीशन यह हो गया, और यहां पर इक्वल लगा दीजिए, ये पोजीशन सी का हो गया, और फाइनली आपका ई का पोजीशन यह हो गया। तो यही आपका जो वेट का ऑर्डर था वो आपने निकाल लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हम लोगों का उसको देखते हैं कि क्या है। पहला बोला गया, इफ द गर्ल्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, हु विल बी द थर्ड पोजीशन। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सभी को रखा जाए हाइट को, तो थर्ड पोजीशन में कौन होगा। हाइट हम लोगों ने क्या इस पे बात किया था, अगर हाइट को असेंडिंग ऑर्डर कर दिया जाए, मतलब इस डायरेक्शन से आप देखें छोटे से बड़े, थर्ड पोजीशन आपका क्या ई निकल कर आ रहा है, तो ई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोगों का जो आंसर होगा ई, हम लोगों का कहीं नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ दे आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, हु विल बी द लास्ट पोजीशन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर सभी का वेट में रखा जाए तो क्या होगा, लास्ट पोजीशन कौन निकल कर आएगा। हम लोगों ने क्या देखा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, और जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब हम लोगों का क्या वेट सबसे लास्ट में किसका, बी का निकल कर आ जाएगा, तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी आप लोगों का कहीं नहीं है, मतलब क्या नन ऑफ दीज हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट, टू आंसर द क्वेश्चन हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, सबसे हैवीएस्ट पर्सन कौन है, ये आंसर देने के लिए विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज द सुपरफ्लुअस, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सुपरफ्लुअस हो सकता है हैवीएस्ट पर्सन निकालने के लिए। हैवीएस्ट हम लोगों का क्या है, ई। अगर देखा जाए तो ए, अगर ई की बात की जाए ना, तो हम लोगों को सब कुछ तो मालूम चलना चाहिए। चलिए, ए इज द सेकेंड हाइट बट लाइटर देन सी, इसका तो जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। बट बी इज द टॉलर देन डी, लाइटर देन, लाइटर इन द वेट, ये भी आप लोगों को जरूरत है। सी एंड डी आर ऑफ द सेम वेट बट सी इज टॉलर, अच्छा सेम वेट की बात कर दी, बस यहां पर से आपको पता चला जरूरत है, ई इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। अच्छा, ई जो है वह टॉलर तो है बी से, लेकिन शॉर्टर है बट हैवियर देन सी। अब आप लोगों को यह भी स्टेटमेंट का जरूरत है, ए इज नॉट द लाइटेस्ट इन दिस ग्रुप। अच्छा, जब आप इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या पता चला, ए के कारण हम लोगों का यहां सस्पिशन बना हुआ था, मतलब ए क्या, ए और बी का पोजीशन आपको पता नहीं चला था, लेकिन हैवीएस्ट हम लोगों को निकालने के लिए तो ये ई पता था कि ई एनी टाइम आपका हैवीएस्ट होगा, तो हम लोगों का ये सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब क्या स्टेटमेंट सिक्स। तो हम लोगों का राइट आंसर यहां क्या हो जाना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट सिक्स, ठीक है। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आज कुछ क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, और ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन आप रैंकिंग बेस पे SBI PO प्री पूछती है, क्या पता SBI क्लर्क भी पूछ दे, इसीलिए आप सब प्रिपेयर रहें और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहें, राइट। तो हम सब फिर मिलते हैं, जाने से पहले अगर आप लोगों को अगर प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट मिल रहा है तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे पजल के क्वेश्चन के साथ, तो आप सब बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहना है आप सबको प्रैक्टिस, राइट।